नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। जैसा कि आप सबको पता है, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाता है। लेकिन इस बार 27 सालों बाद ऐसा संयोग बना है कि दीपावली के दो दिन बाद गोवर्धन पूजा का त्योहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा को अन्नकूट और बलि प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ये त्योहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाकर उसकी पूजा की जाती है। साथ ही भगवान कृष्ण को अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए आपको बताते हैं। गोवर्धन पूजा के दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इस दिन चंद्र दर्शन करना अशुभ माना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन गौ माता की पूजा का विशेष विधान होता है। इस दिन गाय को किसी तरह की कोई हानि पहुंचानी नहीं चाहिए। गोवर्धन के दिन पूजा का भी विशेष विधान है। इस दिन बंद कमरे में की गई पूजा को स्वीकार नहीं किया जाता, तो गोवर्धन पूजा घर के आंगन, छत या बालकनी में ही करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा अकेले भी नहीं करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा को अकेले करना अशुभ माना जाता है। ये पूजा रिश्तेदारों या आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलकर करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा में सात परिक्रमा का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन जब पूजा शुरू करें तो पूजा बीच में अधूरी बिल्कुल न छोड़ें। वही बात करें गोवर्धन पूजा की कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, तो इसके पीछे कहानी बड़ी रोचक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में भगवान इंद्र ने ब्रजवासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश की थी। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को बचाया था। पर्वत के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने सभी को सुरक्षा प्रदान की थी। तभी से भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन के रूप में पूजा जाता है। इसी के साथ आप सबको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।